चिकित्सालय के जो जेल के अंदर होता है और कैसे मरीजों को वहाँ पे देखा जाता है? जो जेल है उसमें जो है 20 बेड का अस्पताल है और उसमें जो है कभी कभी जो है 45-50 मरीज आ जाते हैं। इसके अलावा जो है जेल में ऐसे कैदी हैं जिनको जांच उपचार के लिए जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज जाना होता है और उनको वहाँ के लिए रेफर किया गया है, लेकिन पुलिस गार्ड न मिल पाने के कारण जो है बहुत से कैदी जो है मतलब गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और ऐसे कुछ कैदियों के बीच में मौत भी हो चुकी है। आँख के बहुत से रोगी ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन पिछले साल लिखा गया था लेकिन आज जो है 1.5 साल बीत जाने के बाद उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। ऐसे हाइड्रोसिल के बहुत से मरीज हैं, तमाम बीमारियों के ऐसे मरीज हैं जिनको कई बार संदर्भित किया गया है लेकिन उनका उपचार जो है नहीं हो पाया है। तो मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। क्या प्रशासनिक स्तर पर इन चीज़ों को देखा नहीं जाता है समय से, या क्या कारण रहता है, इसकी क्या खास वजह है? जिला कारागार के जो अधिकारी हैं उन सब चीज़ों को जो है ध्यान देते हैं लेकिन जो है उनसे जब पुलिस बल के लिए मांग के लिए लिखा जाता है तो पुलिस बल से समय पर नहीं मिल पाता है और जो पुलिस बल मिलता है वो समय पर ले जाकर उनके इलाज नहीं करवा करा पाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष मेरी जब यहाँ तैनाती हुई है उसके पश्चात से ही यह अवलोकन किया गया चिकित्सा क्षेत्र के लिए और कारागार में चिकित्सीय जो इलाज होने चाहिए थे बंदियों के वो बहुत ही पेंडिंग थे और इस संदर्भ में जो है कार्रवाई करते हुए तत्समय पे जो मेरे DIG साहब थे और वर्तमान में जिले में जो CMO साहब रहे, उससे पहले CMO साहब जो रहे, इन सबसे वार्ता होते हुए और बंदियों को नियमित जो है उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिससे बंदियों में उत्तरोत्तर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और साथ ही साथ उनके अंदर कारागार प्रशासन को लेकर विश्वास पैदा हुआ है कि उनकी बीमारी इत्यादि के संदर्भ में कारागार प्रशासन प्राथमिक रूप से तत्काल जो है प्रभावी कार्रवाई करेगा ताकि उनको उचित इलाज जो है मिल सके और इस पर अनवरत जो है प्रक्रिया यह जारी है ताकि जो है बंदियों का विश्वास वो बना रहे और उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। हरदोई जिले का जिला कारागार विगत लंबे समय से एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ये समस्या यहाँ पर बीमार कैदियों की है। बता दें आज भी यहाँ पर सैकड़ों कैदी ऐसे हैं जिनकी जांचें पेंडिंग पड़ी हैं मगर पुलिस बल ना मिल पाने के कारण इनको जिला कारागार से बाहर नहीं ले जाया जा पा रहा है। वहीं जब इस संबंध में जेल अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगवा कर इन कैदियों की जाँच कराए जाने की बात कही है। हरदोई से ETV के लिए आकाश शुक्ला।